प्रोजेक्ट जो लंका में सीता चित्र का प्रोजेक्ट है और कैसे जुड़े हैं आप इस प्रोजेक्ट से? फर्स्ट प्रेस को दर्शक को नमस्कार। लंका में सीता बैनर में लंका में सीता फिल्म कर रहा हूं, आज मुहूर्त किया हूं। इसमें निशारकम हीरो कर रहा है, रितु सिंह हीरोइन है। आज रितु सिंह शूटिंग में पटना में थे, वो अवेलेबल नहीं है। अवधेश मिश्रा भी शूटिंग में है, वो भी अवेलेबल नहीं है। इसमें राम कैरेक्टर यह कर रहा है, सीता कैरेक्टर रितु सिंह कर रहा है, रावण कैरेक्टर अवधेश मिश्रा कर रहा है। रामायण के बारे में कितना बार बोल दिया तो भी सुन सकते हैं। इसके लिए रामायण बेस करके मैं एक कहानी लिखा है, नया चीज़। इसके लिए लंका में सीता टाइटल रख दिया है। रामायण कितना साल पहले, कितना साल हो गए कोई की मालूम नहीं है। वाल्मीकि लिखा, इधर तुलसीराम लिखा, सब लोग लिखा है। ये मैं भी एक बार तो उसको बोला कासुरा से कुछ लिखा है तो अच्छा रहता, बोल के 90 days गूगल सब ये आ गया। उसके हिसाब से मैं नया लंका में सीता लिखा हूँ, इसके लिए टाइटल भी लंका में सीता रख दिया हूँ। यह फिल्म आज मुहूर्त हो गया, गाना का अप्रैल 19 से शूटिंग शुरू हो रहा। तो सर, ये लंका में निशार जी को कास्ट किया आपने और रितु जी को, क्या खास वजह रही, क्या करना चाहेंगे इनके बारे में? मतलब कैरेक्टर इन सबसे मेरे को लगा क्या है, पहले मैं शिवा का सूर्या किया हूँ, निशार का अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा फाइट्स किया, एक्टिंग बहुत अच्छा है, बट उनका अंदर फायर है और एक्टिंग करना और कुछ करना, बट इतना बस है भाई, और कुछ करेंगे सर वन मोर, वो अच्छा लग रहा मेरे को। आर्टिस्ट ऐसा पूछे तो डायरेक्टर भी मजा आएगा काम करने को, इसके लिए उनका फायर देख लिया हूँ। ये कहानी की वो हीरो कैरेक्टर राम का कैरेक्टर वो मैच होता, इसके लिए उनको लेके मैं पैक किया हूँ। और किस तरह का ये बेसिकली स्टोरी रहेगा आपको? लंका में सीता एक रिवेंज स्टोरी सुनने में लग रहा है, किस तरह का स्टोरी लाइन रहेगा और कितना एंजॉय करेंगे दर्शकों को जो पढ़ते पाएगा ये फिल्म? ये कॉमेडी इन सबसे जाएगा। फर्स्ट ऑफ पूरा एक लड़की लड़के का प्यार कभी भी होता, कैसे भी होता, लव एट फर्स्ट साइट होता, नहीं तो दोस्ती के बाद लव बन सकते, सब है इसमें, वो जोड़ा हूँ मैं। उनके बाद ये दोनों प्यार करने के बाद वो लड़की कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये कौन है, कोई की नहीं जानते। फर्स्ट ऑफ चलते रहता कॉमेडी से, वो हीरो घर में बैठेगा, वो हीरो घर में बैठने के बाद ये दोनों को प्यार हो गए के बाद वो दिन वो आई लव यू दोनों बोल दिया, बोलने के बाद रावण पहुंच गया, उनको खींच के लेके गया, लंका में रख दिया। मतलब स्टोरी नहीं होगी लेकिन रामायण से प्रेरित होगा? रामायण से होता, लाइन कभी भी पुराने होता, बोलने का चीज स्क्रीन प्ले ट्रीटमेंट अलग होता, ये ट्रीटमेंट अलग कर दिया हूं मैं। निशान जी, आपने चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट को लेकर कितना उत्साहित हैं और जैसा सर बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न तरीके से रामायण को पेश किया जाएगा और आप राम के किरदार में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो अंदर की नमस्कारम, ये तो तेलुगु हो गया, अब मैं हिंदी में बोलूँगा। यहाँ पे जितने भी मेरे पत्रकार भाई आए हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। सब कुछ तो सर ने बता दिया है। एक्चुअली में हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये रामायण बोल लीजिए या जो भी आपने आज तक बचपन सुना हुआ, ये उसका अपडेट वर्जन है और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे नंबर 1 डायरेक्टर सुब्बा सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूँगा शेखर सर को और सुरेंद्र सर को और पूरी टीम को, जितने भी प्रोडक्शंस के मेंबर हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, और स्पेशल थैंक टू सुब्बा सर कि उन्होंने मुझे रिपीट किया फिल्म में। और बात करेंगे स्टोरी की तो उस टाइम में सीता जी को बचाया था, मतलब रावण से लंका में आग लगा के हनुमान जी ने, और ये अभी अपडेट वर्जन है, ये 21वीं से चल रही है मेरे दोस्तों, तो इसमें राम जी खुद बचाएंगे। निशान जी, ये भी कहना चाहूँगा सुबह सर साउथ से बिलोंग करते हैं और साउथ में देखते हैं कितना बड़ा विजन होता है डायरेक्टर्स का, बड़े तरीके से पेश करते हैं, तो उनके बारे में बताएं कि आपने काम भी किया उनके साथ, तो कैसे डायरेक्टर हैं, किस तरह से पेश आते हैं? देखिए, एज एन एक्टर मैं बात करूँगा तो मैं तो औकात नहीं है बोलने की सर के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इससे पहले भोजपुरी में एटलीस्ट 7 से 8 फिल्में एज ए हीरो कर चुका हूँ, एक हिंदी कर चुका हूँ। तो सर के साथ जब मैंने पहला सीन किया तो सर ने उठ के ताली बजाई कि बहुत अच्छा किया। मैं बोला भैया ये ऐसा नहीं करना है, मेरे हिसाब से कर रहा। तो ये कि सर के साथ अगर मैंने 2 फिल्में कर ली या 3 फिल्में कर ली, डेफिनेट मुझे ये लगता है कि मैं एक अच्छा एक्टर बन जाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं स्टार बन जाऊंगा, मगर मैं सर थैंक यू सो मच, सर मुझे एक्टर बना देंगे। निशान जी, आपने एक लाइन बोला कि सीता को हनुमान जी ने बताया था,
सबको पता है कि राम जी ने सीता को बताया था। देखिए मेरे जो देखिए लंका में गए और वहां पे उन्होंने पूरी लंका को राम भगवान ही लड़े उनके नाम वो दिन हनुमान है वो दिन वो हनुमान हो गए ना। अभी ऑन स्क्रीन की बात करिए आप वहां पे नहीं थे हम नहीं थे हमने बचपन से सीखा कि हनुमान जी गए थे और पूरी लंका को दहन किया था वो ठीक है कि बॉस उस समय भी राम जी थे और अभी भी राम जी है मगर ये अपडेट वर्जन है तो इसलिए अभी राम जी को बचाना है। भाई कहा कोई कहानी लिखो कौन भी डायरेक्टर लिखो राइटर लिखो कहाँ भी लिखो ओनली रामायण से महाभारत से लेना पड़ेगा। ये हीरो हीरोइन जरूर है कहानी में उसका बीच में विलन जरूर है विलन नहीं तो क्या टाइम विलन बन जाते हैं। कहानी कुछ भी लिखो हीरो हीरोइन राम सीता है विलन कौन है रावण है उनका बेटी को लेके जाके ये शादी करते उनका बाप बदला लेते इनके ऊपर लास्ट में दोनों मिलते हैं कहानी एक ही होता। हम लोग को बोलने का बात स्क्रीन प्ले डिफरेंट किया आज सोसाइटी पास्ट है ये जनरेशन को हम लोगों क्या पिक्चर दिया वो अच्छा लगा वो देखते हैं। सर गीत संगीत क्या रहता है ओम झाजी का म्यूजिक है तो किस तरह का गीत संगीत रहेगा कौन गायक रहेंगे किसने गाने रहेंगे सिचुएशन जो होगा उसके नाम किस तरह का। हाँ इसमें छह गाना है ये ओम जब मेरे को कंटिन्यू कर रहा फिल्म से उनको मेरे को बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया सिचुएशन इन सब से वो गाना मेरे को करेगा वो इसके लिए वो देने का गाना मैं कैसे शूट कर सकते सॉन्ग ऐसा शूट कर रहा हूँ बहुत अच्छा मैच हो गया मेरे दोनों को आज भी एक गाना किया बहुत अच्छा है ये अभी ये पिक्चर में छः गाना है छः गाना बहुत अच्छा करेगा मैच अच्छा उससे शूट करेंगे। बात इसमें प्रोड्यूसर्स है सुरेंद्र मिश्रा सुरेंद्र रेड्डी राजशेखर रेड्डी ये आज नहीं है ये लोग तेलुगु फिल्म्स बहुत किया है ये वो टाइम पर है मैं जानता हूँ ये लोग ये मैं भोजपुरी आ गया हूँ सुब्बा जी अब तेलुगु नहीं कर रहा है भोजपुरी कर रहा है मैं आ रहा हूँ उधर मेरे को भी एक फिल्म करो सबको लेके जाके भोजपुरी कर रहा है ना मेरे को भी एक फिल्म करो वो लोग पूछा इसके लिए वो लोग भी एक फिल्म कर रहा हूँ वही लंका में सीता। सुब्बा जी अभी तक कितने फिल्म आपने डायरेक्ट किया भोजपुरी में 15 फिल्म किया हूँ किस किस सेलिब्रिटी को लेके फर्स्ट दिनेश लाल यादव को लेके किया हूँ कंटिन्यू में उनका साथ साथ फिल्म किया हूँ उनके बाद अवधेश मिश्रा विलन उनको भी विलन प्रेम कहानी नाम बोल के हीरो बनाया हूँ गोल का साथ एक फिल्म किया हूँ सुना ससुर जी रितेश पांडे से काशी विश्वनाथ किया हूँ हैदराबाद से एक सलीम फेक नाम बोल के जयपुर में उनको भी लेके इंट्रोड्यूस किया हूँ इधर ऐसा चल रहा है फिल्म से पूरा कंटिन्यू में साल का फटाफट नहीं करते मैं अच्छा करेंगे साल का एक पिक्चर करो अच्छा करना। लास्ट शिवा का सूर्या कंप्लीट किया हूँ उसमें शिवा सर भी किया शिवा कंटमनेन सर निशार खान है प्रीति शुक्ला है पाकी हेगड़े वो फिर मैं री एंट्री किया उसको वो फिल्म भी तैयार हो गया अभी रिलीज का है ये अप्रैल में रिलीज करने को हम लोग प्लान कर रहा हूँ। सर आप जी बताइए सर क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं आप और तो साउथ इंडियन से ताल्लुकात रखते हैं कितनी बड़ी बात है क्योंकि हर कोई अपने रिलीजन पे अपने रिलीजन में प्रोड्यूस करते हैं कितना अच्छा स्टेप मानते हैं इस चीज़ को। तीन साल से बहुत प्रेरण है उसको बोलने को ही इधर आए कि फिल्म बन रहे थे नहीं बचपन बुरे क्या है बचपन से हम लोग सब एक गाँव के रहते थे ये मेरा रिश्ता है ब्रदर है मेरा हम तीनों हमारा नेटिव प्लेस नेल्लूर में रहते थे हम लोग थोड़ा बड़े फिल्म्स कर रहे थे उधर सुब्बारा साहब को हमसे बहुत उलझिला हुआ था हम लोग भी क्या है सारी दरारे के बाद अच्छा अच्छा सिनेमा फिल्म निकालने वाले हैं भोजपुर में तो हम लोग भी जान करेंगे भोजपुर में निकालने के लिए तो सर से बात करके दिस इज़ आवर फर्स्ट फिल्म इन दिस भोजपुरी सो वी थॉट ऑफ डूइंग ए गुड फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड इनटू दिस भोजपुरी फर्दर एंड वी आर गोइंग टू टेक मोर पिक्चर्स विद सुब्बारा सर। तो ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से भोजपुरी फिल्म इतना स्टाइलिश होता है इतना हैवी बजट होता है हर चीज़ बड़ा कैनवास में होता है उस तरह से आप आगे फिल्म निर्माण करने वाले हैं भोजपुरी में ये तो पहली है पहले वी आर गोइंग टू सी हाउ फार वी कैन रीच हाउ इज़ द मार्केट नाउ एंड अदर थिंग्स देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी जान देने का है ये होने के बाद एंड कमिंग अदर फिल्म्स वी आर गोइंग टू एज यू आर आस्किंग वी पुट पिच दैट हाइप।
मार्केटिंग पूरा है सर। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।